हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन का, इसे सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन हो जाएगा स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन का। इस पेज में आपको ना नीचे की साइड ये तीसरा ऑप्शन, ये पहले से टिक मार्क लगा होगा नोन के सामने वाले सर्कल पे, आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ऑफ है, ठीक है। अब इस सेटिंग को ऑन करने के लिए यानी कि इनेबल करने के लिए आपको नोन के ऊपर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लोबल सर्च का और ये नोटिफिकेशन सेंटर का। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं इसे ऑन करने से पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर होते हैं, अगर आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर ऊपर से नीचे हल्का सा भी स्वाइप करते हैं तो आपका यहाँ पर जो कोई भी पेज इस तरीके से देखिए ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सेटिंग को आपको जो है ना इनेबल कर लेना है। मैं इसे नोटिफिकेशन सेंटर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इससे हमारी सेटिंग जो है ये इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर होंगे ना, तो अगर आप ऊपर से नीचे हल्का सा भी स्वाइप करेंगे इस तरीके से तो आपका ये नोटिफिकेशन सेंटर का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ऐसे काम करेगी आपके फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। स्टार्टिंग से सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन। आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग के पेज में लेकर आ जाएगा और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।